हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। ये है महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक पापड़ जो मुंह में डालते से ही घुल जाते हैं। ये है महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक पापड़ के इंग्रेडिएंट। चावल को क्लीन कर लीजिए, 2 से 3 पानी से धो लीजिए। उसके बाद इसे 3 दिन तक पानी में भिगा के रखना है, पर सुबह और शाम दोनों टाइम इसका पानी चेंज कर देना है। 3 दिन के बाद देखिएगा चावल कुछ लाइट हो गए होंगे। इसे अच्छे से धो लीजिए और छोटे वाले ग्राइंडर में डाल के इसे ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करते समय 1 चम्मच साबुदाने का आटा डाल लीजिए। अगर साबुदाने का आटा नहीं है तो 1 चम्मच साबुदाना आप 3 से 4 घंटे भिगा दीजिए और इसमें डाल के ग्राइंड कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कीजिए। हमें एक पतला बैटर तैयार करना है। ग्राइंड करते समय ध्यान रखें, इसे बीच बीच में चलाते जाना है। कोई भी चावल इसमें नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर चाहिए इस तरह का। बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए थोड़ा पानी डाल सकते हैं। बिल्कुल इतना पतला बैटर चाहिए, आप देख सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ही नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक भगोने में 3 से 4 कप पानी लेना है और उस भगोने के ऊपर जो प्लेट आ जाए उतने ही साइज की 3 प्लेट ले लीजिए या फिर थाली ले लीजिए। इन थाली के उल्टे साइड से तेल लगा लेना है, पर बहुत ज्यादा तेल नहीं लगाना है, एकदम थोड़ा थोड़ा लाइट हैंड से। 1 छोटे चम्मच से थाली के ऊपर इस तरह बैटर को डाल लीजिए। डोसा जिस तरह से बनाते हैं उस तरह घुमा घुमा के इसे बड़ा कर लीजिए। बिल्कुल डोसा जैसा बनता है उसी टाइप से करना है। इसी तरह तीनों थाली बना के आप एक साथ रख सकते हैं। पानी उबलने पर पहले इस तरफ से रख दीजिए, जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे ऊपर से इसे पलट देंगे। अंदर की भाप में 1 मिनट और कुक होने देंगे। पहले हमने 10 से 12 सेकंड कुक किया है, अब अपोजिट साइड से 1 मिनट और कुक होने दीजिए। 1 मिनट में ये पापड़ कुक हो जाएगा, देखिए वाव। अब इसके ऊपर दूसरी प्लेट रख दीजिए। 10 से 15 सेकंड में ये इस तरफ से ड्राई होने लगेगा, उसके बाद फिर से पलट देना है। इसी तरह हमें सभी पापड़ बनाने हैं। हमने यहाँ पे 3 प्लेट ली है। जैसे ही 1 प्लेट खाली होती है इसमें से पापड़ कैसे निकालना है वो भी मैं आगे बताऊंगी। महाराष्ट्र में इस पापड़ को साल पापड़ कहते हैं। सूखने के बाद जब इसे आप तलेंगे तो आप देखेंगे ये मुंह में एकदम घुल जाता है और बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनता है, और बनाने में इसे ज्यादा समय नहीं लगता है, पर चावल भिगाने में 3 दिन लगते हैं। प्लेट को ठंडा हो जाने के बाद नाइफ की सहायता से सब साइड से निकाल लीजिए और फिर इस तरह से इसे निकाल लीजिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। जब तक एक पापड़ स्टीम हो रहा है हम दूसरे पापड़ को प्लेट में से निकाल सकते हैं और एक रेडी कर सकते हैं, इसलिए फटाफट बन जाता है। वाओ, देखिए कितने पतले हैं। जिस साइड से ये ड्राई है उसी साइड से हमें सुखाना है। पहले 1 दिन तक इसे छांव में घर में सूखने दीजिए, उसके बाद धूप में 2 दिन तक अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद आप इसे तल सकते हैं या फिर भून सकते हैं। ये पापड़ अच्छे से सूख गए हैं, आप देख सकते हैं कितने पतले हैं। इसे तलने के लिए कढ़ाई में तेल डालिए और अच्छे से गर्म कर लीजिए। गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो रहने दीजिए और इसे तलते जाइए। देखिए कितने बड़े हो रहे हैं ये, और खाने में ये तुरंत मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। आप इसे जरूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट और सजेशन जरूर दीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।